हेलो स्टूडेंट्स आई एम जयश्री यादव सो बच्चे मैं आपको क्लास ट्वेल्थ एमसीक्यूज क्वेश्चन करा रही हूँ टी एस बुक से फिफ्थ चैप्टर दैट इज योर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ठीक है सो so, इसके एमसीक्यूज हम करने वाले हैं सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो सबसे पहला क्वेश्चन देखो बच्चे नॉमिनल कैपिटल इज जो हमारा नॉमिनल कैपिटल होता है वो क्या होता है द पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल विच इज इशूड बाई द कंपनी या द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज़ एक्चुअली अप्लाइड बाई प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज पेड बाय द शेयर होल्डर्स या द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट अ कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू इशू तो इसका राइट right आंसर बच्चे नॉमिनल हमारी कैपिटल जो होती है वो क्या होती है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट अ कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू इशू ठीक है जो हमारी अमाउंट होती है शेयर कैपिटल जो कंपनी इशू करती है ठीक है तो डी इज द राइट आंसर सेकेंड क्वेश्चन देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंसेंट ऑफ शेयर कैपिटल इसमें से कौन सा सही है ऑथोराइज कैपिटल इज ऑलवेज मोर देन द इशूड कैपिटल क्या हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल हमेशा मोर uh, होती है देन इशूड कैपिटल होती है वैसे ठीक है बी इशूड कैपिटल इज ऑलवेज इक्वल टू ऑथोराइज कैपिटल ऑलवेज नहीं है ठीक है हो सकती है देन सी ऑथोराइज कैपिटल कैन बी मोर और इक्वल बट कैन नॉट बी लेस देन इशूड कैपिटल देन नेक्स्ट देखो इशूड कैपिटल इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल ठीक है इसमें देखो कि राइट right ऑप्शन हमारा कौन सा हो सकता है कि ऑथोराइज कैपिटल कैन बी मोर ठीक है मोर होती है ऑथोराइज कैपिटल और इक्वल भी हो सकती है बट कैन नॉट बी लेस देन द इशूड कैपिटल बट इशूड कैपिटल से लेस नहीं हो सकती मोर हो सकती है ठीक है तो सी इज द राइट ऑप्शन नाउ थर्ड क्वेश्चन देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंसेंट ऑफ शेयर कैपिटल ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है कॉन्टेक्सट ऑफ द शेयर कैपिटल तो देखो इशूड कैपिटल कैन बी मोर देन और इक्वल टू सब्सक्राइब सब्सक्राइब कैपिटल 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 इशूड एंड आर ऑलवेज सेम इशूड कैपिटल इज ऑलवेज मोर देन द दब्सक्राइब्ड कैपिटल या सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज ऑलवेज मोर देन द इशूड कैपिटल तो बच्चे इसमें से हमारा करेक्ट क्या होगा देखो इशूड कैपिटल ठीक है इशूड कैपिटल हमारी क्या होती है भाई ऑथोराइज में से हम इशू करते हैं कि इतने इतने शेयर्स हम क्या है पब्लिक को इशू करेंगे कैन बी मोर देन और इक्वल टू द सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो ज्यादा हो सकती है राइट ज्यादा होगी हमारी या फिर इक्वल भी हो सकती है टू द सब्सक्राइब्ड कैपिटल कि कितने लोग हमारे शेयर्स खरीद रहे हैं ठीक है तो ए इज द राइट आंसर ना फोर्थ क्वेश्चन देखो Is, होता क्या है हमारा दट पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल विच इज इशूड टू कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाई द पब्लिक तो राइट आंसर क्या है देखो यही होता है ना बच्चे कि वो पार्ट होता है इशूड कैपिटल का पार्ट होता है विच हैज बीन एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाई द पब्लिक जो पब्लिक शेयर्स हमारे खरीद लेती है उसी को हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल तो बी इज द राइट आंसर क्लियर नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल इज सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है ठीक है टोटल इशू प्राइस ऑफ द शेयर इज कॉल्ड कॉल्ड अप या टोटल नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज कॉल्ड कॉल्ड अप या टोटल नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ़ शेयर इज कॉल्ड अप एंड ऑल्सो रिसीव्ड या टोटल नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ़ शेयर इज कॉल्ड अप वेदर रिसीव्ड और नॉट तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप मतलब कि हमें शेयर्स मतलब हमने कॉल्ड अप कर दिया एंड हमें सारी अमाउंट रिसीव हो गई है उसी को हम फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल बोलते हैं तो इनमें से हमारा कौन सा आंसर है भाई देखो सी टोटल नॉमिनल जितनी भी हमारी फेस वैल्यू है शेयर की वो हमें कॉल्डअप कर लिया है हमने मंगा लिया है एंड हमें रिसीव भी हो गई है उसी को हम बोलते हैं तो राइट आंसर क्वेश्चन देखो बच्चे सब्सक्राइब्ड कैपिटल बट नॉट फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल हमारा होता क्या है टोटल नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज आइदर नॉट कॉल्ड अपर रिसीव्ड बाई द कंपनी ठीक है यही होता है कि भाई जो भी हमारी फेस वैल्यू है शेयर की इज आइदर नॉट कॉल्ड अप या तो हमने नहीं मंगवाई है एंड वो हमें रिसीव नहीं हुई है तो राइट right आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए इज द राइट आंसर क्लियर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेवेंथ क्वेश्चन इफ शेयर्स आर ओवर सब्सक्राइब देन द कंपनी कैन इशू शेयर्स अगर हमारे शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं तो फिर उस केस में द कंपनी कैन इश्यू शेयर ठीक है ऑन प्रोराटा बेसिस टू ऑल एप्लीके बिल्कुल सही है भाई हम करते हैं बाई रिजेक्टिंग सम ऑफ द एप्लीकेशन एक्सेप्टिंग इन फुल टू समीकेशन एंड अलॉटिंग ऑन प्रोराटा बेसिस टू द रिमेनिंग होता है भाई हम किसी शेयर्स को मतलब रिजेक्ट भी कर देते हैं किसी को पूरी की पूरी हम क्या करते हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटिंग दे देते हैं और किसी को हम प्रोराटा बेसिस पे देते हैं राइट ये बिल्कुल सही है हमारा बाई रिजेक्टिंग सम ऑफ द एप्लीकेंट एंड एक्सेप्टिंग इन फुल द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स ये भी हमारा सही है ऑल ऑफ अबाव तो राइट right आंसर इसका क्या हो जाएगा डी इज द राइट आंसर ऑल ऑफ द अबाव नाउ एट क्वेश्चन देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पज फॉर विच द सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट कैन बी यूज ऐसा हमारा इसमें से कौन सा पर्पज नहीं है जिसके लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट यूज नहीं कर सकते तो इसका राइट आंसर क्या होगा देखो इशूविंग फुल्ली पेड बोनस शेयर टू शेयर होल्डर्स सही है इशूविंग पार्टली पेड अप बोनस शेयर टू शेयर होल्डर्स राइटिंग ऑफ प्रिमरी एक्सपेंसिस ऑफ द कंपनी ये तो हम करते हैं इन परचेजिंग इट्स ओन शेयर बाई बैक ये भी होता है तो इसमें राइट right आंसर क्या होगा बच्चे आपका बी होगा दैट इज इशुंग पार्टली पेड अप बोनस शेयर टू शेयर होल्डर्स ठीक है नाउ नाइन्थ क्वेश्चन देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्पज फॉर विच सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूज किसके लिए हम यूज कर सकते हैं ठीक है फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम ऑन रिडम्पन ऑफ डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर फॉर इशूबिंग शेयर टू द प्रोमोटर्स एस ई एस ओ पी फॉर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंट फॉर राइटिंग ऑफ एक्सपेंसिस एंड अदर प्रिमरी एक्सपेंसिस तो बच्चे इसमें राइट राइट आंसर जो होगा हमारा वो क्या होगा ए फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर ठीक है एट द टाइम ऑफ फोर फीटेड शेयर्स कैपिटल अकाउंट को हम किससे डेबिट करते हैं भाई कौन सी अमाउंट से हम इसे डेबिट करेंगे द अमाउंट ऑफ नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या हम फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स से इसको मल्टीप्लाई करते हैं जितने भी हमारे शेयर्स होते हैं या द अमाउंट कॉल्ड अप ऑन द शेयर्स फोर फीटेड टिल द डेट ऑफ फोर फीचर्स तो यही आंसर होगा बच्चे आपका बी द अमाउंट ऑफ जितना हमने मंगा लिया उसी से तो हम मल्टीप्लाई करेंगे जितने शेयर्स हम फोरफीट कर रहे हैं तो बी इज द राइट आंसर क्लियर आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब थैंक यू